कानपुर सेंट्रल रेलवे ने ओवर चार्जिंग को लेकर अभियान चला रखा है, जिसके चलते वेंडरों में हड़कंप मचा हुआ है। कल सेंट्रल के स्टेशन पर एक वेंडर को तय से अधिक कीमत पर पानी बेचने पर पकड़ा गया, जिस पर 1,00,000 रुपए का जुर्माना किया गया। आपको बता दें कि रेलवे जीएम ने हाल ही में भेष बदलकर ओवर चार्जिंग में 5 कर्मचारियों को सस्पेंड किया था। रेलवे यात्रियों की तरफ से आए दिन ओवर चार्जिंग को लेकर शिकायतें आ रही थी, जिसको लेकर कल रेलवे की वाणिज्य विभाग टीम ने औचक निरीक्षण किया। इसी टाइम सोपान रेस्टोरेंट पर 15 की पानी की बोतल 20 रुपए में बेची जा रही थी। इस पर सोपान रेस्टोरेंट का 1,00,000 रुपए का जुर्माना किया गया। कानपुर से प्रवीण सिंह की रिपोर्ट। सर, ओवर चार्जिंग की शिकायत मिली है कि किसी 1,00,000 रुपए का चालान कटा है किसी स्टॉल चालक पर, क्या पूरा मामला था सर? नहीं, जैसे कि पता है ओवर चार्जिंग को लेकर बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं, और एक स्टॉल जो है यहाँ पे एक नंबर प्लेटफॉर्म पे ऊपर 1,00,000 का अटेंड लगाया गया है मुख्यालय के द्वारा। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे ऑफिस अपने ऑफिस के स्तर पर भी करीब 2 स्टॉलों पर भी हम लोगों ने 10,000 के पिछले 3-4 दिनों में फाइन लगाई है। इसके अलावा कुछ स्टॉल को देखे होंगे बंद भी किए गए हैं, और ये जो अभियान है काफ़ी इसको तीव्र गति से चला रहे हैं। इसमें कैटरिंग इंस्पेक्टर्स के साथ साथ जो कि चेकिंग स्टाफ हमारा है और बाकी हमारे जो कमीशन इंस्पेक्टर्स हैं सभी लोग लगे हुए हैं। ओवर चार्जिंग कैटरिंग के साथ साथ जो और भी यात्री सुविधाएँ हमारी हैं, जैसे कि पार्किंग है और डेली टॉयलेट्स हैं, वहाँ भी अगर कोई अनियमितता पा जा रही है वहाँ भी हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं। उनके ऊपर भी हम लोग अटेंड इंस्पेक्टर लगाएंगे जैसी शिकायतें आएंगी, और जरूरत पड़ेगी तो स्टॉल्स को बंद भी करेंगे। सर, ऐसा क्या मामला था कि जो 1,00,000 रुपए का चालान किया गया? मामला अनियमितता का ही है, ओवर चार्जिंग का है। समझाने के बाद भी लगातार शिकायतें आती रहती हैं, क्योंकि लगातार कई बार थोड़ी थोड़ी पेनल्टी करने के बाद भी नहीं हो रहे हैं, जिसके ऊपर एक बड़ा दंड लगा रहे हैं, जिससे कि इसका एक मैसेज जाए कि आप लोग उनको सुधार करें। उसके साथ साथ जो ICTC के प्रति स्टॉक थे उनके ऊपर भी आवेदन लगा के उनके अनुशंसा ICTC कार्यालय को की जा रही है कि उनके ऊपर आवेदन लगा के उनको भी चेक करें। सर, कौन सा प्लेटफॉर्म नंबर पर ये स्टॉल था जिस पर चालान कटा हुआ, किस नाम से था? जो आप जिसकी बात कर रहे हो एक नंबर पे, इसके अलावा 6, 7, 5 ठीक। सर, ये अभियान कब से कब तक चल रहा है? ये अभियान देखिए, अभियान तो सतत प्रक्रिया है, इंस्पेक्शन चल रहा है। अभी फिलहाल ये अभियान हम लोगों ने 1 महीने के लिए चलाया हुआ है, तीव्र गति से ज़्यादा सघन अभियान। ओवर चार्जिंग को लेकर